ओके क्लास 7 15.1 कंप्लीट करवा दिए थे हम। आज हम लोग बाकी का पार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी का जो पार्ट है आप लोगों को बस बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, ज्यादा डीप में हम लोग सारा सम्स नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट देना जरूरी है ताकि आप लोगों को फॉर्मूला पता हो और फॉर्मूला कहाँ से आया और पैरेललोग्राम ये सब जो है इसका एरिया का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, इसके लिए ये हम सारा जो आगे का जितना भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, और एक दो सम्स ही करवाएंगे उसके बेस पे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए, सबसे पहले बात तो अच्छा ये डेफिनेशन आप लोग रीड कीजिएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम होता है क्या, पैरेललोग्राम हैज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स व्हिच आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब दो अपोजिट साइड होता है जो इक्वल होता है और पैरेलल होता है, यानी ये दोनों पेयर क्या होगा, इक्वल जो पेयर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी नेवर मीट, मतलब कभी नहीं मिलेगा वो जितना भी लाइन्स को एक्सटेंड कर दे, ठीक है। तो ये पैरेलल होगा और इक्वल होगा यानी बराबर होगा इन लेंथ, ठीक है, ये दोनों सेम होगा और ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो देखिए एरिया पैरेललोग्राम, तो हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, इसका फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, यानी अगर इसको हम लोग बेस लेंगे तो इसके ऑपोजिट साइड से हम लोग ये ड्रॉ करेंगे हाइट, ठीक है। तो ये जाएगा हाइट, उसको जाएगा बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर बेस कंसिडर करेंगे तो हम लोग चारों में से किसी को भी बेस कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर ये सामने में तो इसको भी कंसिडर करें, अगर ये सामने से लेंगे तो उसके ऑपोजिट साइड के ये वर्टेक्स से हम लोग ये एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हाइट होगा, ठीक है। और अगर इसको लेंगे तो क्या करेंगे, ये अगर बेस होगा तो क्या करेंगे, ये देखिए ऑपोजिट साइड की वर्टेक्स से हम लोग इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा उसका हाइट, ठीक है। तो एक ही बात होगा, एक ही वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा बेस इनटू हाइट। तो देखिए इसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पे यहाँ पे दो सम्स आप लोगों को करना है एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने बोला, इफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर का लेंथ भी दिया हुआ, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली नंबर टू में देखिए, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इट्स बेस इज 6 सेंटीमीटर, बेस दिया तो क्या फाइंड करने बोलेगा, हाइट फाइंड करने बोलेगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम से बेस इनटू हाइट, तो बेस हम लोगों को पता है, हाइट फाइंड करना और पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग हाइट यहाँ रखेंगे, हाइट यहाँ रखेंगे और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, इसका भी इजिली निकल लिया। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पैरेललोग्राम का एरिया का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से आप लोग ये दो समझ लीजिएगा। ओके सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रॉम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस से कहें, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि रॉम्बस होता क्या है, रॉम्बस क्या होता है, इन जनरल फिगर ए बी सी डी इज द रॉम्बस हुज डायगोनल ए सी, जो डायगोनल है ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ, ठीक है, यानी किस तरह का, ये तरह का पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है चारों साइड, और जो इसका जो डायगोनल्स होता है, ठीक है, डायगोनल्स यानी जो अपोजिट वर्टेक्स जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये इसका ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ड्रॉ करने से ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल होगा, ये इसका डायगोनल होगा, ठीक है। तो ये जो डायगोनल होता है क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट, यानी ये वाला डायगोनल इसको इक्वली हाफ में डिवाइड करता है, और ये डायगोनल इस डायगोनल को, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, द डायगोनल ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और क्या है राइट एंगल में, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, इक्वली हाफ में डिवाइड करता है, प्लस क्या करता है, राइट एंगल में डिवाइड होता है, ठीक है, यानी इस डायगोनल और इस डायगोनल के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, राइट एंगल होता है, मतलब यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी सॉरी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया रॉम्बस का, ठीक है। अब रॉम्बस का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल का जो लेंथ होगा उसका प्रोडक्ट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे टू से, ठीक है। तो उसका उससे हम लोग क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रॉम्बस मिल जाएगा। एरिया ऑफ रॉम्बस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोग करना है वो नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 करना और एग्जाम्पल नंबर 7 करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, सिंपली यहाँ पर दोनों डायगोनल्स का लेंथ आप लोगों को दिया हुआ बोल रहा है, फाइंड एरिया, तो एरिया ऑफ रॉम्बस, तो एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या था, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो ये दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग, चाहे हाफ इनटू ये एक डायगोनल होगी और ये दूसरा डायगोनल होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7, इफ द एरिया ऑफ रॉम्बस, यहाँ पर सिमिलरली एरिया दिया हुआ, ठीक है, और एक कोई एक डायगोनल दिया हुआ, तो बोल रहा दूसरा डायगोनल क्या होगा, फाइंड करो। तो ये भी बहुत ईजी हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, क्या होगा एरिया ऑफ, हम लोग को पता है पूरा फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ रॉम्बस यहाँ पर दिया हुआ हाफ और पहला डायगोनल मान लेते 6 है, दूसरा वाला हम लोगों को फाइंड करना, क्या इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व कर देंगे, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा इनटू 2 हो जाएगा और ये 6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या फिर सिंपली 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा डिवाइड काट करके, या 3 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो ये जिस तरह से चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करना आप लोगों को आता है, तो इससे हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल के एरिया के बारे में, ठीक है। तो ट्राइंगल है, आप लोगों को ट्राइंगल पता ही है, ठीक है, 3 साइड्स होता है। तो ट्राइंगल का क्या होता है,
जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एरिया ट्रायंगल का जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस और हाइट आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और या बेस या हाइट दिया हुआ रहेगा, कोई भी दो चीज दिया हुआ रहेगा और एक चीज पूछेगा आप लोग से, तो ये आप लोगों को निकालना ऑलरेडी से आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू, यानी ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए जो सम्स कीजिएगा वो देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए एग्जांपल से नेक्स्ट पेज में, ये सब कुछ नहीं करना, ये आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे करना है, पेज 47 में देखिए एग्जांपल नंबर 9 करना है, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला हैविंग बेस और हाइट, ठीक है, बेस और हाइट सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाला नंबर 9 वाला एग्जांपल सम कर लीजिएगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो दिया हुआ है, सिर्फ सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। नंबर 9 कीजिएगा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 10 भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए ये बेस का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये जगह बेस और ये हो जाएगा हाइट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस कितना है मेरे 11 और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। सिंपली इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये दोनों कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्कल में कुछ टर्म्स वगैरह हो तो वो आप लोग को याद रखना, यानी देखिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का जो बीच का पॉइंट होता है, एकदम बीच का सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ओ वाला जो पॉइंट है वो सेंटर हो गया। अब सेंटर से देखिए हम लोग रेडियस, ये जो सॉरी सर्कल के ऊपर कहीं भी हम लोग मार्क करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक सर्कल हो गया, मान लीजिए एक तो सेंटर है, तो ठीक है सेंटर से लेकर के हम लोग कहीं भी सर्कल के ऊपर हम लोग रखेंगे, जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ये यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, ये या फिर ऐसे कर लीजिए, या फिर ये ऐसे कर लीजिए, या फिर ये ऐसे कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। और मान लीजिए इसी सर्कल में जब सेंटर से, ठीक है, हम लोग कोई भी लाइन जब हम लोग पास करते पूरा एक ये देखिए मान लीजिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो सेंटर से पास करेगा, ठीक है, जो सेंटर से पास करेगा, ये जो लाइन है हम लोग सर्कमफेरेंस, इसको ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है, मतलब ये सर्कल के ऊपर ये हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे बोला गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया, सेंटर से लेके हम लोग कहीं भी सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे लाइन, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर तो हो जाएगा वो रेडियस, और सर्कल से सर्कल के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे लेकिन वो सेंटर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। सेंटर आप लोगों को बता चुके, ठीक है, और ये जो पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, जो पूरा जो लेंथ है सर्कल का उस क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है, और पूरा अंदर का क्या हो जाएगा, एरिया। तो हम लोगों को इसका एरिया फॉर्मूला फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो डायमीटर होता है वो ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस होता है, ठीक है, हाफ ऑफ रेडियस होता है, या रेडियस होता है डायमीटर का डबल होता है, ठीक है, डायमीटर का डबल होता है। याद रखिएगा डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस का डबल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा। तो ये जो रेडियस होता है, ये देखिए रेडियस क्या है, पूरा जो डायमीटर पूरा होगा और रेडियस का जाएगा हाफ हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही दिया, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया डायमीटर और आर से रेडियस, ठीक है, ये रीड कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ना फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ये वाला तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी तरह का कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, या फिर रेडियस जो होता है वो डायमीटर के डबल हाफ होता है, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर और डायमीटर हाफ डबल ऑफ रेडियस। नाउ सर्कमफेरेंस, ये जो सर्कमफेरेंस है उसका लेंथ कितना होता है, उसका लेंथ होता है 2πr, पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है, वैल्यू क्या है 22/7 या फिर 3.14 हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, और एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू सेम 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू सेम 2/7 या 3.14, और आर स्क्वायर, आर मतलब क्या हो जाता है, रेडियस, और आर स्क्वायर मतलब आप लोगों को पता है आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर इंटू आर, मतलब कोई चीज को जब हम लोग दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका पावर क्या होता है, आर स्क्वायर हो जाता है, यानी सेम चीज अगर दो बार हुआ मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा, जितना बार होगा वो उसका उतना पावर आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आप लोग ये दो एग्जांपल्स कीजिएगा, फर्स्ट वाला एग्जांपल है फाइंड द सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोल रहा डायमीटर 28, अगर डायमीटर 28 है तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr,
ठीक है 2πr, तो r क्या होगा रेडियस, तो रेडियस के लिए निकालेंगे क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए हाफ ऑफ डायमीटर यानी d बाय 2 करेंगे, तो रेडियस जगह d बाय 2 28 बाय 2 तो कितना जगह 14। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 × 22/7 पाई का वैल्यू पुट करेंगे और r का वैल्यू कितना आया मेरा 14। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा मेरा सर्कमफेरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज इतना, अगेन सर अब क्या निकालने बोला एरिया निकालने, एरिया का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोगों को रेडियस चाहिए जहां पे डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालने क्या करेंगे हाफ ऑफ डायमीटर यानी डायमीटर को आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो रेडियस है मेरा 14 तो डायमीटर रेडियस सॉरी डायमीटर है मेरा 14 तो रेडियस कितना जगह 14 बाय 2 7 सेंटीमीटर। एरिया कितना जगह हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब क्या होता है अभी हम बताएं कि आर स्क्वायर मतलब होता है आर इंटू आर, उसी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का कॉन्सेप्ट, तो बस आप लोगों को यहीं तक करना है, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट जितना हम लोगों को हमको देना था पूरा दे चुके हैं जितना आप लोगों का चैप्टर में, ठीक है।